यस एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? गुड आफ्टरनून। कैसी चल रही है जिंदगी? ऑल गुड। जैसा 1 घंटे पहले था। स्टैगनेंट कैसे? 1 घंटे में कितना भी, 2 घंटे में कितना कुछ कर लोगे? उतना अच्छा सा एलआरडीए सेट कर लिए, अप्रोच सीख लिए, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करोगे, तो जिंदगी स्टैग्नेंट कैसे है? बढ़ रही है, एवर ग्रोइंग है जिंदगी। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे सेट्स करा रहा हूँ एलआरडीए के, एल्फबेटिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, स्टैग्नेंट नहीं हो जिंदगी। इज दिस अ स्पेशल क्लास? दिस इज अ स्पेशल क्लास, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेशल क्लास। चल रहे, स्टार्ट स्टार्ट किया जाए, करते हैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन अर्थमेटिक के। थोड़ा अर्थमेटिक याद भी आएगा और थोड़ा दिमाग बढ़ेगा, यानी कि अर्थमेटिक रट्टू वाले क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है? थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन करेंगे ना, जहाँ पे तो हमारा माइंड ग्रो करे, यानी रटने वाले क्वेश्चन नहीं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मी अपलोड द पीडीएफ। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, 3 मिनट ट्राई करना है, 3 मिनट्स तक ट्राई करना है, फिर पोलिंग करेंगे उसकी, ठीक है? नोबडी विल राइट दी आंसर्स। प्लस कोर्स लेके वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम योर कोर्सेस, अभी कर सकते हैं। 10:30 AM अभी बताता हूँ, एंड आई टेल यू इन द एंड, ठीक है? 10:30 AM पे मैंने न्यू बैच स्टार्ट किया है, सो 10:30 AM पर स्टार्टेड ए न्यू बैच, उसमें नंबर्स चल रहा है अभी, ठीक है? और 10 PM वाले क्वांट बैच में अलजेब्रा चल रहा है। रिकॉर्डिंग से एक्सेस कर सकते हो, या तो लाइव ज्वाइन, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी है उसकी और लाइव क्लास भी है, और LRDA में शाम में 5 to 7 PM। ओके, तो तुम इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारा विश। ये क्लासेस करने के लिए अर्थमेटिक आना चाहिए, ठीक है? यू शुड नो अर्थमेटिक ये क्लासेस करने के लिए, ओके? ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज अर्थमेटिक नहीं आता, क्योंकि हम लोग अर्थमेटिक ऑलरेडी प्लस में कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सब कुछ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, दीज आर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। तो जो लोग एथलेटिक पढ़े हैं वही लोग ये क्लास करेंगे।
पुराने बैच की रिकॉर्डिंग कैसे देखें? तुम जाओगे मेरे प्रोफाइल में, ठीक है, जस्ट गो टू माय प्रोफाइल। वहां पे दो सेक्शन आता है, एक आता है कंप्लीटेड कोर्सेस और एक आता है ऑनगोइंग कोर्सेस। ठीक है, तो कम ऑनगोइंग कोर्सेज में अभी तुमको दिखेगा नंबर चल रहा है 10:30 AM बैच में, और जेब्रा चल रहा है 10 PM बैच में, LRDA चल रहा है 5 to 7 PM, ठीक है, DI चल रहा है, LR तो अभी DI चल रहा है, ठीक है। तो ये तुमको तीन कोर्स दिखेगा, बाकी जो कोर्सेज हो चुके हैं तुमको दिखेंगे कंप्लीटेड कोर्सेज में। कोर्सेज में आना, गो टू कोर्सेज, वहां तुमको मैं अपने पूरा सारे मैं पूरा क्वांट और LRDA में पूरा अकेले पढ़ाता हूँ अलग से, ठीक है। तो तुम कोर्सेज आना, गो जस्ट गो टू कोर्सेज, डेडिकेटेड कोर्सेज, मेरे कोर्सेज करना, ठीक है। मैं पूरा कोर्सेज मैंने पढ़ाए हुए हैं बहुत डिटेल में, सारे आराम से कोर्सेज करना बैठ के, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट कर दो, बिल्कुल। हाउ टू स्टार्ट, अभी ये स्टार्ट बता रहे थे यार। यू कैन ज्वाइन 10:30 AM बैच, यू कैन ज्वाइन 10 PM बैच, यू कैन ज्वाइन 5, इन दो बैच क्वांट का चल रहा है, कोई भी एक बैच ज्वाइन करना। और एक शाम में LRDA चलता है 3 to 4 days, अभी क्वांट 5 days, LRDA 3 to 4 days, यही दो बैच, कोई भी इन तीन में से कोई भी दो ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये न्यू बैच ही है जो छोटा, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो नंबर्स स्टार्ट कर रहे थे, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, ये भी इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी है जितना किया हुआ है। अभी अगला, इसके बाद हम लोग अराउंड 10th में से हम लोग 10:30 AM बैच पे अरिथमेटिक करेंगे स्टार्टिंग से, फिर ज्वाइन कर सकते हैं। सुविधा डीए डीए का डीए का नया कोर्स आ गया, डी डीए का कोर्स चल रहा है, तो नया कोर्स आता है तो उसमें इनरोल करना पड़ता है ना। चलो पोलिंग करेंगे गाइस, आ रहा है प्लानर में, सब कोई जा रहे हैं ना, प्लानर में आ ही रहा है। तुम लोग को याद होगा इस कॉन्सेप्ट पे तुम लोग को मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया था, तुमको एक LRDA सेट कराया था, याद है? LRDA सेट बहुत बढ़िया LRDA सेट था, वो मस्त LRDA सेट, वो एक सेट 5 सेट के इक्वल था, ठीक है। देखो उसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी सवाल का। पोलिंग करेंगे यार, पोलिंग गुड, ये सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। देखो तो अगले सवाल सॉल्व किया, उसके लिए क्या है? सिक्स सुमो रेसलर्स वे मेड टू स्टैंड इन अ लाइन, दे वर वेड वन बाय वन। इट वाज नोटेड दैट द वेट ऑफ ऑल रेसलर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड रेसलर वॉज इक्वल टू द एरिथमेटिक मीन ऑफ द टू रेसलर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिम इन द लाइन, ठीक है। तो जो भी वेट का थर्ड रेसलर था ना, वेट ऑफ थर्ड रेसलर,
वो बाकी दोनों का एर्थमेटिक मीन था। व्हाट डू यू मीन एर्थमेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय एर्थमेटिक मीन? तो एर्थमेटिक मीन क्या सिंपल एवरेज होता है, सो आई नो दैट एर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, सो एर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, है ना? अभी देखो हम समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, ओके तो टोटल तुम्हारा यहाँ पे क्या है, द वेट ऑफ द हेवीएस्ट रेसलर वॉज फाउंड टू बी 200 kg एंड द वेट ऑफ द लाइटेस्ट रेसलर वॉज 100 kg, राइट? एंड वेट ऑफ द सिक्स्थ रेसलर इज ग्रेटर देन द फिफ्थ रेसलर, तो मुझे फोर्थ का वेट बताना है, राइट? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या सोचेंगे कि इस केस में आपको यहाँ पे जो दो रेसलर का अर्थमेटिक जो वेट है वो बाकी का अर्थमेटिक मीन है, तो आप ये बोलोगे कि भाई तुम्हारा लाइटेस्ट जो रेसलर है तो लाइटेस्ट का वेट कितना है, बोलोगे वेट ऑफ लाइटेस्ट वन इज कितना 100 kg, है ना? एंड वेट ऑफ हेवीएस्ट वन इज कितना, तो 200 kg। अब देखो जब भी आप इसमें से क्या करोगे, जब भी आप बाकी वेट को लोगे ना तो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब लाइटेस्ट और हेवीएस्ट के बीच में लाई करेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास बेसिकली पॉइंट क्या है कि थर्ड रेसलर से स्टार्ट करेंगे एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, तो एवरेज ऑफ टू नंबर्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन दोस टू नंबर्स, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना? मतलब अगर मैं बोलूंगा अगर 100 और मैं 150 का एवरेज ले रहा हूँ तो 100 और 150 का एवरेज क्या होगा, बोलोगे 125 होगा। तो जब भी तुम एवरेज लोगे वो उन्हीं दो नंबर के बीच में लाई करता है, दैट्स द जनरल फंडा, राइट? तो ये आपका जनरल फंडा है यहाँ पे, ठीक है? तो देखो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा कि व्हेन आई गेट दिस हियर, तो आपके पास यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो ठीक है लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये सिक्स रेसलर्स है, आई विल पुट देम W1 W2 W3 W4 W5 एंड W6, ठीक है? ये 6 रेसलर का ऐसे हमने वेट बना दिया, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि फर्स्ट, अब मेरे पास यहाँ पे हमको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच नंबर में सारे लाई करेंगे, और आपको पता है कि जो थर्ड रेसलर का वेट है वो फर्स्ट और सेकंड का अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना? नाउ टेल मी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, एक बार सोचना जरा, ठीक है? समझा रहा हूँ, सोचना इस पॉइंट को कि फर्स्ट रेसलर का वेट 100 हो और कहीं बाद में जाके 200 आ जाए, ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होगा बता रहा हूं, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होगा, मतलब ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो वेट, जो थर्ड रेसलर का वेट है ना, क्योंकि आपका आपका अगर अगर आप पहला ही वाला नंबर 100 ले लोगे, ठीक है, और आपका मान लो, आपने मान लो सेकंड नंबर 190, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 190 ले लिया, तो 100 और W3 क्या होगा, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, इनका एवरेज होगा। 100 और 190 का एवरेज कितना है, बोलोगे 145 होगा। फिर W4 क्या होगा, 190 और 145 का एवरेज होगा, ठीक है? जो W5 ये जो अगला वाला बंद होगा, ये इन दोनों का कितना होगा एवरेज, तो बोलोगे ये होगा आपका 116.5 होगा। फिर अगला वाला इन दोनों का एवरेज होगा, तो ये क्या कभी तुमको अब 200 आएगा क्या? जो हमारा एक वेट 200 था, ये वेट कभी भी 200 आएगा क्या? अब तो कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि हेवीएस्ट 200 है। अगर आपने पहले ही 100 और एक 200 से कम ले लिया तो आप सारे नंबर क्या करेंगे, ऑल नंबर्स विल लाई लेस, ऑल नंबर्स विल लाई बिफोर 200, मतलब सारे नंबर क्या होंगे तुम्हारे, लेस देन 200 ही होंगे, है ना? अब तुमको कभी भी 200 नहीं आएगा, राइट? तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहला वाला 100 ले लिया है तो 200 कौन सा होगा, अगर हमने पहला वाला 100 ले लिया है तो 200 कौन सा होगा, अगर हमने पहला वाला 100 लिया है तो 200 मस्ट बी सेकेंड वन, इट हैज टू बी, ठीक है? क्योंकि इसके बाद कभी 200 नहीं आ सकता, ठीक है? अब बोलोगे सर इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब बोलो सर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि W1 W2, ठीक है, समझना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, समझना सबको, ठीक है? थोड़ा टाइम लेके हम समझेंगे, W4 है, फिर W5 है, फिर W6 है। अब बोलोगे इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं इसका केस 2 बनाऊं, ये मेरा केस 1 है, अब बोलोगे यहाँ पे 200 भी हो सकता है और ये 100 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ठीक है? ये आपका पहला वाला 200 और 100 हो जाए। अब बोलोगे सर क्या बाद में 100 हो सकता है क्या? अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर मैंने फर्स्ट वाले को ले लिया 200, ठीक है, कभी बाद में 100 आ सकता है क्या? मतलब आपका 100 क्या है, लाइटेस्ट है, तो मेरा सेकेंड वेट क्या होगा, 100 से बड़ा ही होगा ना, तो भाई सेकेंड वेट हैज टू बी ग्रेटर देन 100,
लेट से मान लो तुम्हारा ये 110 है, तो क्या ये 110 हो सकता है क्या? अगर ये 110 होगा तो इनका एवरेज कितना आएगा? बोलोगे इनका भी होगा 155, फिर इनका एवरेज कितना होगा? 110 और 15 का एवरेज कितना होगा? आप बोलोगे ये होगा 132.5। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आगे के नंबर्स है इन्हीं के बीच में फंसे रह जाएंगे। तो अगर आपने पहली बार 110 ले लिया तो जो आगे के नंबर्स है इन्हीं के बीच में फंसे रह जाएंगे ये, ठीक है? दे कैन नॉट कम आउट। तो कभी 100 आ सकता है क्या उसके बाद? अगर आपने पहला 200 ले लिया और अगला 110 ले लिया तो क्या कभी बाद में 100 आ सकता है क्या? कैन यू गेट 100 एवर आफ्टर में? नहीं ना, अब आ ही नहीं सकता 100, क्योंकि अब क्या होगा? इन्हीं दोनों के बीच में नंबर आता रहेगा, क्योंकि अब क्या होगा? इन्हीं दोनों के बीच में नंबर आता रहेगा, इन्हीं दोनों के बीच में आता रहेगा, तो 100 तो कभी आ नहीं सकता। दैट मीन्स ये हमें पक्का श्योरिटी हो गई कि हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे दो केस बनेंगे इन, ये जो 100 और 200 है जो एक्सट्रीम वेट्स हैं, ये सिर्फ पोजिशन वन या पोजिशन टू पे होंगे, ये सिर्फ पोजिशन वन या पोजिशन टू पे होंगे, आगे में नहीं हो सकता, ठीक है? तो यही दो केस बनेगा। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सबको समझ में आया ये कहानी? सबको समझ में आ गया? बोलो यस और नो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद तुम आगे देखोगे कि टोटल में कितना आ गया, 100 और 200 आ गया, ठीक है? अब इनका एवरेज लेते जाओ, तो इनका एवरेज कितना होगा? तो आप बोलोगे 100, अब जो W3 है ये बाकी दोनों का एवरेज है, तो 100 और 200 का एवरेज कितना होगा? बोलोगे 150 होगा, है ना? क्योंकि W3 क्या है तुम्हारा? बाकी ऊपर के दोनों का एवरेज है। फिर W4 क्या है? इन दोनों का एवरेज है। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? तो 200 और 150 का एवरेज कितना होगा? 175 होगा। फिर W5 तुम्हारा क्या है? इन दोनों का एवरेज है। इन दोनों का एवरेज कितना होगा? तो बोलोगे सर इनके बीच में गैप कितने का है? 25 का गैप है, 25 का आधा कर दो, तो व्हेन यू हाफ 25, सो 25 हाफ इज 12.5, सो 150 प्लस 12.5 विल बी इक्वल टू 162.5, है ना? एंड देन व्हाट विल डू, जो W6 होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। इनके बीच का गैप कितना है? 12.5 का गैप है। इनका एवरेज कैसे निकालोगे? 12.5 का हाफ कितना होता है? 6.25 होता है। अपना 162.5 में अब 6.25 ऐड कर दो, क्या बनेगा? अब बोलोगे 168.75 आ जाएगा। तो ये हमारा केस वन आ गया। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सबको क्लियर है? दिस इज माय केस वन हियर। केस टू निकाले, केस टू निकाले, ठीक है? नाउ वंस आई कैलकुलेट केस टू, देखो मुझे केस टू में क्या मिलेगा? 200, 100, अगेन इन दोनों का एवरेज इज 150, अगेन इन दोनों का एवरेज इज 125, अगेन इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 137.5, बिकॉज यहाँ पे 25 का गैप है, इसका आधा कर दो, 25 का आधा इज 12.5, सो इफ यू ऐड 125 प्लस 12.5 यू विल गेट 137.5। एंड नाउ अगेन इनका मुझे इन दोनों का एवरेज चाहिए, इनका एवरेज कितना होगा? इनका गैप है 12.5 का, इसका हाफ कितना हो गया? 6.25, तो 125 में 6.25 ऐड कर दो, क्या मिलेगा तुम्हें? 131.25 मिल जाएगा ना? बोलो मिलेगा पक्का? ठीक है, ये देखो बहुत ऐसे ही ऐसे डाउट्स हो ना, मतलब मैं सलाम करता हूँ। 200 के बाद एक नंबर 100 से कम कैसे हो सकता है जब लाइटेस्ट वेट हमारा 100 kg है? लिखा हुआ है लाइटेस्ट वेट वाला तो सबसे हल्का होता है और हेवीएस्ट का सबसे भारी होता है, ठीक है? तो ये तो कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने का 4 से 5 मिनट टाइम दिया था, उसके बाद एक्सप्लेन किया, इतना तो कम से कम फिगर आउट कर लेते कि सर लाइ 100 से कम कोई वेट नहीं कर सकते हैं। कब पढ़ोगे तुम लोग क्वेश्चन? मैं उस दिन का वेट करोगे, सर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है अब हम आंसर करेंगे। लीगेसी मेंटेन्ड है वो वाला, पहले सवाल सब सब पहले पहले सॉल्यूशन फिर आंसर क्वेश्चन। हाँ बट वो एलआईडी का बहुत बढ़िया सेट था, ये तो क्वांट पे मैंने से छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है? वो एलआईडी का मस्त सेट था वो वाला, ठीक है? खैर लेट्स कम बैक हियर। तो अब बोलोगे आपका ये दो केस बन गया, अब यहाँ पे दो केस तुम्हारे कैसे होंगे, ठीक है? दो केस तुम्हारे कैसे होंगे? तो बोलोगे अब लास्ट मेरे पास पॉइंट क्या है? वेट ऑफ सिक्स्थ रेसलर इज ग्रेटर देन फिफ्थ रेसलर, तो यही तुम्हारा पॉइंट एलिमिनेटिंग है। तो बोलोगे सिक्स का वेट फिफ्थ से ज्यादा है, तो केस वन में सिक्स का वेट फिफ्थ से ज्यादा है, केस टू में सिक्स का वेट फिफ्थ से कम है, तो हम क्या बोलेंगे? केस टू इज रिजेक्टेड। तो अगर केस टू रिजेक्टेड हो गया दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? केस वन होगा, ठीक है? केस वन में वेट ऑफ फोर्थ रेसलर कितना है? दिस इज 175 के, हमारा आंसर क्या होगा? बोलोगे माय आंसर इज 175 kg।
दैट इज द आंसर. बुझे कुछ चमका? इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग में, मैं हूं ना, डोंट वरी. आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई नहीं, ये समझने के लिए था. दो केस लेने से समझ में आता है कि क्या दिमाग में प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा. ठीक है, एलिमिनेशन तो बस फर्स्ट ही लाइन का केस था ना. करेक्ट यश, मतलब जो एक्सट्रीम होगा वो फर्स्ट और सेकंड पे ही आएगा. लॉजिक बेसिकली है कि जो भी दो नंबर आपके एक्सट्रीम होंगे दोनों कहाँ पे आएंगे? फर्स्ट और सेकंड पे ही आएंगे. होली करेंगे 1 मिनट और. एक मिनट करो.
चलो पोली करते हैं गाइस। ठीक है, डिसेंट पोलिंग। एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, मतलब 2 लाख एग्जैक्टली आ जाएगा। और देखते हैं, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है। सो मैन्युफैक्चरर गिव्स अ होलसेलर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। तो हमको तो मार्क प्राइस पता ही नहीं कितना है ना। तो कुछ अज्यूम कर लो मार्क प्राइस को, तो आप बोलोगे कि मार्क प्राइस को हम मान लेते हैं, वही तो एग्जैक्टली आ जाएगा मेरे को लग रहा है। तो मार्क प्राइस को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट द मार्क प्राइस मान, वालों ने पी मान लिया, ठीक है। मार्क प्राइस को क्या हुआ, 15% का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। देखो अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे 100 भी मान लेते हैं, ऐसे भी डेसिमल में ही जाना है ना। 15 का कर दोगे 1 डिस्काउंट, बोलोगे सर 85p हो गया। अब डेसिमल में ही जाएगा ना उसके बाद, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पी मानो 100 भी मानो, डेसिमल में तो आना ही है, डेसिमल में तो ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, तो इसलिए इसको फ्रैक्शन बाद में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पी मान लेते हैं। तो मार्क प्राइस हमने पी मान लिया, 15% का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। तो 15%, फिर 15%, और फिर 15% कितना हो जाएगा, तो 15 15 15 बोलो कितना हो गया। तो पी से तुम्हारा कितना आएगा, अगर पी पे 15% का डिस्काउंट है कितना मिलेगा बोलो, बोलोगे ना 3/, ये 3/20 का डिस्काउंट है, राइट, 3/20 का डिस्काउंट है ना। तो व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 3/20 के डिस्काउंट के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। ऑल ऑफ यू नो दिस राइट। तो अब लोग एक बार यहाँ पे 17/20 किया, फिर यहाँ पे 17/20 किया, और फिर यहाँ पे 17/20 किया, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा। तो बोलोगे माई सेलिंग प्राइस इज 17/17 × 20, 17/20 का क्यूब, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, सेलिंग प्राइस इज P × 17/20 का क्यूब, बोलो ठीक है। सब क्लियर है, ऐसे सिंपल सा प्रोसेस कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। हमने क्या किया, हमने मार्क प्राइस को यहाँ पे P अज्यूम कर लिया, सो अज्यूम माय मार्क प्राइस इज P, तो 3 बार डिस्काउंट दिया 15 15% का, तो सेलिंग प्राइस हो गया P × 17 का क्यूब हो गया, फाइन। अब देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्यों, कौन सा फॉर्मूला आएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला कैसे होगा। तो अब बोलोगे यहाँ पे क्या चल रहा है, सो नाउ दी होलसेलर मार्क्स अप दी कॉस्ट प्राइस फॉर दी आइटम्स बाय 60%। तो होलसेलर ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को मार्क कर दिया 60% से, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली अब मान लो मैं बोलूंगा मेरा सेलिंग प्राइस है कुछ भी, तो सेलिंग प्राइस, सॉरी मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस को उसने क्या किया, 60% ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको बाद में भी कैंसिल ही करना है, क्योंकि हमको देखो क्या करना है ना, हम स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग में 8000x में ले लेता, 8000x, ठीक है। बट 8000x से क्या फर्क पड़ता है, फिर बाद में मेरे को यहाँ भी कैलकुलेट ही करना है, तो कैंसिल वैंसिल करेंगे करेंगे, ठीक है। तो तुमको एक नंबर दिखेगा, अभी तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने 1 to 20 का क्यूब, अगर तुम लोगों ने, मैं पेन तुम लोग कहा था ना 1 to 20 का क्यूब याद करना है, अगर तुमने 1 to 20 का क्यूब याद किया होगा, तुमको यहाँ पे दिखता, तुमको पता होगा 17³ is 4913, 17³ कितना होता है, 4913 होता है, ठीक है। और इसी 4913 का डबल है ये 9826, ओके। तो यही यहाँ पे, तो ये तुमको दिखता कि जैसे तुम यहाँ 17 का तुमने क्यूब किया है ना, इसी 17 का क्यूब का डबल एक कट जाएगा इससे, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा पंगे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बोलोगे कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितना है, 60% है, ठीक है। हाँ एक मिनट आ रहे हैं अभी, रुको ना। तो अब बोलोगे मैं ना, अब मैंने यहाँ पे कुछ, अब जो यहाँ पे सेलिंग, समझना यहाँ पे इस बात को, कि जो ये सेलिंग प्राइस है, किसका सेलिंग प्राइस है ये, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मैन्युफैक्चरर है एक होलसेलर है। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को क्या दिया, 3 डिस्काउंट दिया। तो ये मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है, बोलो यस और नो, ये तुम्हारा क्या है, ये मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है ना। और जो मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है
वही तुम्हारा, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, व्हाट इज दैट, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर। है ना, करेक्ट राइट। तो जो जिस प्राइस पे मैन्युफैक्चरर ने बेचा उसी प्राइस में होलसेलर ने बाई किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर हमने यही हमारा प्राइस है, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स से लिखने का, देखो देखते हैं यहाँ पे, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स से लिखना इस चीज को। तो ना मैं ना इसको कुछ वेरिएबल, तो मैं इसको मान लो, इसको कुछ मान लेते, मैंने इसको मान लो ए मान लिया, मैंने इसको ए अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। तो अब मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर कितना है यार, ए है ना, ए है। फिर होलसेलर ने क्या किया, उसको 60% से ऊपर मार्क कर दिया। तो 60% से ऊपर मीन्स कितना, आप बोलोगे 60% ऊपर मार्क कर दिया, व्हाट इज दैट, 3/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, मेरे को एक बार पहले खत्म कर दो, ठीक है। फिर कल वाला क्लास तो मत करो काम सर, बीच बीच में ही रुकते 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 रह जाएंगे। देखो, सो उसका डाउट पूछ रहा है, लेट मी फिनिश इट। तो ए पे तुम्हारा क्या है, 60% का इंक्रीज है, 3/5 का इंक्रीज, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ए इंटू 8/5, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस, तो इसने 60% ऊपर मार्क किया, तो बोलोगे ये मार्क प्राइस है ना, किसका, तो होलसेलर ने इस प्राइस में मैन्युफैक्चरर से खरीदा, दैट इज ए, मैंने इस पूरे को ए मान लिया, और इस ए को उसने 60% ऊपर मार्क कर दिया, कितना हो गया आपका, ए इंटू 8/5 हो गया, ठीक है। अब इसने इसके बाद क्या किया, इसने एट फाइव पे क्या किया, इसने 10% और 25% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया। तो अगर इसने 10% और 25% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई मैटर क्या जाएगा, बोलोगे एट बाई फाइव, ए तो था ही पहले से आपका, है ना, 10% का डिस्काउंट, तो 1/10 का डिक्रीज, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 9/10, और 25% का डिक्रीज, तो 1/4 का डिक्रीज, व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 3/4। तो बोलोगे ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, तुम्हारा ये क्या हो गया, दिस इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस गाइस, तुम्हारा कहता है ये क्या है, ये किसका सेलिंग प्राइस है, ये होलसेलर का सेलिंग प्राइस है ना, ये कितना आ गया, तब बोलोगे 8 9 72 216 / 200, तो तुम्हारा ये आ गया 100, आई थिंक 1.08 ए आ जाएगा, ठीक है। 108 कितना आ रहा है, 108 आ जाएगा ना, तो 108/54/50 आई थिंक, राइट, 27/25 ए आ जाएगा, देखो यही आ रहा है ना, हाँ करेक्ट। तो बोलोगे इसका मार्क प्राइस कितना था, ए इंटू 8/5 था, इसने दो डिस्काउंट दिया इस पे, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 27/25 ए हो गया, राइट। अब ये जो तुम्हारा 27/25, अब ये क्या लिखा हुआ है, इसने प्रॉफिट कितने का अर्न किया, 98/26 का प्रॉफिट अर्न किया। तो इस पे इसने 27/ इसका इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ए, ध्यान रखना कोई, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ए, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 27/25 ए, इसका प्रॉफिट कितने का होगा, बोलोगे 2/25 ए का प्रॉफिट होगा इसको, बोलो यस और नो, होगा ना, कॉस्ट प्राइस ए है, सेलिंग प्राइस 27/25 ए है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2/25 ए का होगा। दिस 2/25 ए इज, यही तुम्हारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम्हारा 9826 दिया हुआ है, इज गिवन एज ₹9826, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज ए गाइस, तुमको ए क्या, हमने पूरा ए मारा था, ए क्या था हमारे यहाँ पे, पी इंटू 17 का क्यूब, सो पी इंटू 17 का क्यूब डिवाइड बाई 20 का क्यूब, ठीक है। एंड व्हाट इट टोल्ड, तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 9826 है ना, तो अब मैंने बोला कट जाएगा ये 17 क्यूब, विल कैंसिल इट 2 टाइम्स, तो दो बार कट जाएगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी हियर, तो मुझे यहाँ पे पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कितना पी निकाल, मुझे निकालना क्या इस क्वेश्चन में, ए निकालना है, पी निकालना है, पी निकालना है, व्हाट इज दी मार्क प्राइस मैन्युफैक्चर, ठीक है, हमको पी निकालना है, तो पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो पी निकल जाएगा आपका यहाँ पे, तो बोलोगे पी आ रहा है 2 इंटू, ये 2 और 2 भी कट जाएगा, तो 20 क्यूब इंटू 25, दैट इज 8,000 इंटू 25, एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्ट आ गया, ₹2 लाख आ गया आपका, दैट इज द आंसर, ठीक है, प्रॉफिट ऑन मैन्युफैक्चर। अरे ये यहाँ पे
आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट द होलसेलर अर्न्स रुपीज 9826। तो ये होलसेलर का प्रॉफिट है, ये होलसेलर का कॉस्ट प्राइस है, ये होलसेलर का सेलिंग प्राइस है, तो ये होलसेलर का प्रॉफिट है 2/25 के। ठीक है, मैन्युफैक्चर एंड होलसेल कैसे कंफ्यूज हो जाते हो? एक दुकान से रिलेट कर लो दुकान से, तो तुम्हारे बगल में भी किराने वाला क्या करता होगा, कहीं सामान लाता होगा, जैसा सामान लाता है मैन्युफैक्चर है वो बेच रहा है, होलसेलर है, क्या इसमें सोचना है इसमें? अरे कुछ भी कर सकते हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। 100x मान लो ये, क्योंकि देखो मुझे पता था कि ये लास्ट में कटेगा कटेगा, ठीक है, तो कटना है तो फिर हम यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 100 लें कि 200 लें, डेटा डेटा इजी बना है, लास्ट में तो कट रहा ही है मैं लास्ट में तो। ओके, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक कैसे करेंगे? बहुत गंदा हो जाएगा बैक ट्रैक करने में, 9826 से प्रॉफिट निकालोगे, उससे एसपी निकालोगे, वो गंदा हो जाएगा बैक ट्रैक करने में। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? आगे बढ़े, जब आप करते हो तो इजी नहीं लगता है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, इससे हमने क्लास में इससे टफ टफ क्वेश्चन नहीं किया है क्या? हमने क्लास में इससे टफ टफ क्वेश्चन किया प्रॉफिट लॉस में, ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो क्या है ये? तो मतलब एवरेज लेवल क्वेश्चन है क्लास के हिसाब से, क्लास हमने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन किया प्रॉफिट लॉस में, फिर भी तुम लोग भूल जाते हो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वंस यू नोट प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे दिमाग नहीं खुलेगा। ओके, तो इसलिए बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। ओके, हरी उसको ब्रैकेट में कर दो मैथमेटिक्स, ठीक है, आगे बढ़े, लुक एट नेक्स्ट वन गाइस। ये 1 घंटे क्लास होगी, एक मैंने YouTube पे सीरीज चलाया है, ठीक है, कैट 2019 बेस्ट क्वेश्चन ऑफ अल्जेब्रा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, अल्जेब्रा साथ में पढ़ो ना, उधर ही प्रैक्टिस करते रहना, तो सब फंडा रिवाइज हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है।
कैट 2019 फिर कैट 2018 तुम लोग चलाया है क्या? अलजेब्रा साथ में करके रहोगे, इसलिए अलजेब्रा पिक पिक किया है मैंने। ठीक है, तो अभी लाइन से 30-40 क्वेश्चन अलजेब्रा का अपलोड कर दूंगा कैट के, तो सब कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, भूलोगे नहीं। ये रिका कैट 2019-18 के क्वेश्चन रिकॉर्ड करके डालते जाऊंगा रोधा पे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते जाना, हर दिन चार पाँच करते जाओ तो भूलोगे नहीं उस अलजेब्रा। ठीक है, याद रहेंगे वो सब कॉन्सेप्ट, क्योंकि कैट में अलजेब्रा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। स्पीड मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। रोजा में वीडियो रहेंगे, नोट अपलोड अलग से नोट क्यों करना तुमको, बस प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, अरे जाओ ना एक बार रोजा ओपन करो, सब मिल जाएगा ओपन में, सब वहीं पे मिल जाएगा स्टार्टिंग में। पोलिंग करेंगे इसकी, दबा दो नमन। चलिए 1 मिनट पोलिंग फास्ट। चलो पोलिंग गाइस, दसवीं बच्चा है, चार राउंड है, अच्छा बच्चा है। ये लोग हुआ देखो, समझ समझने पर सॉरी के सवाल किया, समझने के पहले क्वेश्चन अच्छे से। एक 150 लीटर अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन है इन द रेशियो ऑफ 2:2x। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है x तुम्हारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इट मेक्स इज y इट इज सॉल्यूशन हैविंग 44.44 अल्कोहल टू गेट अ सॉल्यूशन हैविंग 40 अल्कोहल। तो इसको ना इतना ऐसे पढ़ोगे एक साथ ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ोगे एक साथ तो ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, ब्रेक करो इसको। तो देखो ब्रेक क्या करोगे, यहाँ पे अल्कोहल क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है, फिर वाटर है, फिर टोटल है। पहले किसमें क्या बोल रहे हैं लोग कि 150 लीटर अल्कोहल है
एंड सॉरी वाटर सॉल्यूशन है, तो टोटल 150 लीटर है ना। इसमें रेशियो कितना है, अल्कोहल वाटर बोलोगे यहाँ पे रेशियो है 2:x का रेशियो है, ठीक, ये लिखा हुआ पहले केस में। सेकंड केस में क्या हुआ है, इट इज मिक्स्ड विद वाई लीटर सॉल्यूशन, तो वहां पे अब टोटल टोटल वाई है टोटल, ठीक है, हैविंग 44.44% अल्कोहल। व्हाट इज 44.44%, ये कितना होता है 4/9 ना, क्योंकि 11.11% इज 1/9, 4/9 होगा। तो बोलोगे अगर टोटल मेरा 4/9 है, सॉरी अगर मेरा अल्कोहल 4/9 है, तो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या होता है, अल्कोहल अपॉन टोटल का रेशियो कितना है 4/9 है। दैट मीन्स अगर अगर अल्कोहल 4 है तो वाटर 5 होगा। ये समझा सबको, है ना, अगर अल्कोहल 4 है तो वाटर क्या होगा 5 होगा, राइट। नाउ ये 2, 4 है, ये x है, 150 और y है, ठीक है, अभी मुझे समझ में मेरे को क्या है। नाउ इट सेज दैट कि इनको मिक्स किया और मुझे क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला विथ 40% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो बाद में देखेंगे। लिखा हुआ है x इज बिटवीन 4 और 10, x तुम्हारा क्या है 4 और 10 के बीच में। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बोथ इनिशियल क्वांटिटीज इज अ होल नंबर, ये तुम्हारा बिगेस्ट हिंट है, क्योंकि ये होल नंबर है ना, ये तो अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा क्या है होल नंबर है। तो अब मुझे बताओ कि अमाउंट ऑफ वाटर अगर होल नंबर है तो यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे वाटर कितना होगा, इस फर्स्ट केस में वाटर कितना होगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट केस में वाटर होगा x अपॉन x प्लस 2 into 150, ठीक है ना, ये वाटर होगा ना, इसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कितना है x अपॉन टोटल x प्लस 2 ऑफ 150, ये तुम्हारा अमाउंट ऑफ वाटर है यहाँ पे, ठीक है। अब बोलोगे कि 1 इसमें से ये तुम्हारा वाटर है और तुम्हारा ये x, ये तुम्हारा क्या आना चाहिए, तो ये तुम्हारा एक इंटीजर आना चाहिए, शुड बी अ होल नंबर, राइट, दैट मीन शुड बी अ इंटीजर आना चाहिए तुम्हारा, ये पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ओके। बताओ x के किस वैल्यू पे होगा ऐसा, x क्या तुम्हारा 4 से लेकर 10 की हो सकता है, तो बोलोगे x यहां पे क्या हो सकता है, x कैन टेक 5, 6, 7, 8 and 9, क्योंकि तुम्हारा x 4 से लेकर 10 के बीच में। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या, मैं क्या यहाँ पे मेरा x ले सकता है, कैन कैन माई टेक x 9 ईयर, बोलोगे सर x 9 नहीं ले सकता क्योंकि x 9 पे इंटीजर नहीं आएगा। कैन x टेक 5 ईयर, दोनों एक्सट्रीम चेक कर लो, 5 पे इंटीजर आएगा नहीं, 5 पे इंटीजर नहीं आएगा, 5 पे क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है ना, इज नॉट एन इंटीजर, राइट, नहीं आएगा। 6 पे आएगा 6/8, तो ये भी 3/4 का मल्टीपल नहीं है 4 का, इस पे भी नहीं आएगा। 7 पे भी नहीं आएगा, 8 पे आएगा, तो 8/10 ऑफ 150 बोलोगे 8 पे आ जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, फॉर श्योर x विल बी इक्वल टू व्हाट, फॉर श्योर x विल बी इक्वल टू 8। अगर आपका यहाँ पे पक्का पक्का x इक्वल टू 8 हो गया, तो मैं तुमको बोलूंगा कि हमारा बन गया क्या, तो व्हाट इज माय वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ये वाटर कितना बन गया मेरा, यहाँ तो बोलोगे 8/10 ऑफ 150 कितना, बोलोगे वाटर 120 आ गया, कितना आ गया आपका वाटर, आपका वाटर यहाँ पे 120 आ गया, ठीक है। जैसे ही आपका अगर वाटर 120 आ गया, तो आपको पता है कि टोटल, अगर वाटर टोटल 150 था ना मेरा यहाँ पे, तो अगर वाटर 120 है, इफ वाटर इज 120, तो अल्कोहल कितना होगा 30, सही बात है, अगर वाटर 120 है तो अल्कोहल 30 होगा, 120 और 30 हो गया आपका यहाँ पे एंड इज 150। इसके बाद तुम क्या बोलोगे, तो यहाँ पे x, बट मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x कितना होता है, व्हाट इज x हियर, x कितना होगा, तो ये इसका 4 टाइम्स है ना, 30 into 4 is 120, तो बोलोगे 2 into 4 is 8, दैट मींस x की वैल्यू यहाँ पे 8 होना पड़ता, इन दैट रेशियो x मस्ट बी इक्वल टू 8, राइट, उस रेशियो में x क्या होता है, पक्का पक्का 8 ही होता, तो x हैज टू बी इक्वल टू 8। अच्छा, जैसे तुमने यहाँ पे x को 8 लिखा, तुम्हारा यहाँ यहाँ तक का काम काफी अच्छे से हो गया, वी आर डन विद दिस पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आओगे कि मैंने एक्चुअली क्या किया, इन्होंने क्या बोला है कि आपने इन दोनों पार्ट को मिक्स किया है ना, बोलो यस और नो, आपने इसको और इसको मिक्स किया है, तो लिखा हुआ है कि y liters of solution is having this much concentration, ठीक है, it is mixed with, तो हमने इसको मिक्स किया है इसके साथ, ठीक है, तो बताओ मेरा टोटल कितना हो जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे आपका अल्कोहल, तो ये रेशियो है ना, तो रेशियो में क्या मान लेते, मैं बोलूंगा कि मान लो मैं बोलूंगा ये मेरा 4x बोलता हूँ इसको, ठीक है, ये आपका 4 और 5 का रेशियो हो गया, तो बोलूंगा मैं मान लो ये तुम्हारा एक्चुअल में 4x है, तुम्हारे एक्चुअल में क्या है 5x है,
क्योंकि रेशियो था। तो टोटल अल्कोहल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे अल्कोहल तो 30 आ गया यहाँ पे, तो टोटल अल्कोहल इज 30 प्लस 4x। टोटल वाटर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये आपका आ जाएगा 8 प्लस 5x, सॉरी 120 प्लस 5x। टोटल वाटर कितना हो गया, 120 प्लस 5x हो गया ना। और आपको पता है कि ये कितना था, ये y कितना है, y 40% है। हाँ, इट इज मिक्स्ड विद हैविंग 40% अल्कोहल, सॉरी y नहीं 40% है, 40% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि दैट मीन्स 30 प्लस 4x जो है यहाँ पे, ये बहुत कचड़ा हो गया एक्चुअली, मैं इसको ना देखो अलग जगह लिखना पड़ेगा। देखो मैं इसको अलग से लिखता हूँ यहाँ पे, देखो लेट मी राइट हियर, अगले पेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ इस पेज में, ये वाला पार्ट अल्कोहल वाटर टोटल, सब सबको समझना है यहाँ पे, अल्कोहल वाटर एंड टोटल। अल्कोहल कितना है, तो बोलोगे अल्कोहल यहाँ पे 30, वाटर 120, टोटल 150, 30, 120 एंड 150। आपका ये कितना था, ये कितना है 4x 5x एंड y, कितना 4x 5x एंड y। टोटल अल्कोहल कितना हो गया, 30 प्लस 4x, ठीक है। अरे नहीं सॉरी, एक्स नहीं लेना, रेशियो में एक्स ऑलरेडी, अच्छा ए एक्स ऑलरेडी एक है, इसको कुछ और मान लो, क्या मान लो, वाई मान, वाई भी ऑलरेडी है, ए मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दिस बी ए, इसको ए मान लेते हैं। रेशियो में मान लो ये 4 है, क्योंकि एक्स और एक्स सेम हो जाएगा, ये एक्स ना, ये एक्स सेम हो जाएगा, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए और ए मान लिया, तो 124A और 5A हो गया। एम एम कौन मानता है, अनलेस तुम्हारी क्रश का नाम एम से स्टार्ट होता हो, एम थोड़ी कोई मानता है, ठीक है। ए मान सकते हैं, नॉर्मली ए मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे टोटल यहाँ तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा ये 4A हो गया, तुम्हारा 5A हो गया, एंड दिस इज 30 प्लस 4A एंड 120 प्लस 5A। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट मी राइट हियर, मैं लिखूंगा यहाँ पे ए और ए ले लेता हूँ, आई रीड हियर 4A एंड 5A, आपका 30 प्लस 4A हो गया एंड 120 प्लस 5A हो गया, ठीक है, करेक्ट। मैं टी मानता हूँ, ठीक है, चाय, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो बोलोगे तुम्हारा यहाँ पे कितना है, तो कितना तुम्हारा 30, ये तुम्हारा 30 प्लस 4A है एंड तुम्हारा 120 प्लस 5A है ना। एंड दिस इज आपका ये कितना, तो बोलोगे ये तुम्हारा कितना परसेंट है, अल्कोहल 40% है और तुम्हारा ये कितना है, 60% है। तो अल्कोहल इज 40% एंड वाटर इज 60%, ठीक है, राइट, ठीक है। तो बोलोगे अगर अल्कोहल 50% है, 40 और 60 है, फाइन। अगर जी वाला मानोगे तो फिर जी पर गरीबी होगा, बोला जी गोल्ड कहाँ से, गरीब इंसान हूँ मैं। तो देखो तुम्हारा ये तुम्हारा अल्कोहल कितना है, 40% है, और तुम्हारा वाटर यहाँ पे 60% है, राइट। अब इसका बताओ क्या बनेगा, तो कैन आई राइट हियर, कैन आई राइट दिस रेशियो कि अल्कोहल बाई वाटर का रेशियो कितना है, तो अल्कोहल बाई वाटर का रेशियो कितना है, 40 बाई 60 है, दैट इज 2 बाई 3। एल्कोहल कितना है, 30 प्लस 4A, डायरेक्ट कैसे निकलेगा, 120 प्लस 5A इज इक्वल टू 2 बाई 3, ठीक है। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर, 90 प्लस 12A इज इक्वल टू 240 प्लस 10A, तो 2A इज आई थिंक 150, तो आपका ए 75 आ गया, तो ए आई गॉट एज 75। तो तुम्हें कितना मिल गया, जैसे ही मुझे ए 75 मिला, मुझे निकालना क्या है, तो व्हाट आई एम सपोज टू कैलकुलेट है, मुझे निकालना है यहाँ पे एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर आपका ए 75 आ गया तो वाई कितना है, वाई 9A हो जाएगा ना, 4A प्लस 5A इज 9A, 9A कितना होगा, 9 इंटू 75 इज इक्वल टू कितना, कितना 675, ठीक है। तो बोलोगे 9, दिस इज 675, तो आप बोलोगे हमारा यहाँ पे वाई 675 आ गया, और तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें निकालना है एक्स इंटू वाई की वैल्यू। एक्स क्या था हमारा, एक्स क्या था, एक्स 8 था, एक्स वॉज 8 एंड आई गॉट वाई एज 675। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 675 इज इक्वल टू कितना, 5400, दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वही तो 2 प्लस x ही लिखा हुआ, थोड़ा मेंटली करोगे तो वही तुम्हारा आएगा ना, बात तो वही हो गया यहाँ पे। तुम लोग यहाँ पे 2 प्लस x लिखा, तो तुम्हारा x इंटरेस्ट वही समझा रहा था मैं यहाँ पे, देख तो मुझे भी रहा कि यहाँ पे x इक्वल टू 8 पे हो जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पहले लिख लो एक बार, अब समझ जाएगा तुमको कि 2:8 का रेशियो था, 1:4 का रेशियो था यहाँ पे, ठीक
ठीक है, जैसे तुम्हारा ये वाला पार्ट आ गया 8 8, तो अब यहाँ पे तो अब तुम्हारा सेम ही चीज है। तुम यहाँ पे तुम दो नंबर्स को मिक्स कर रहे हो, तो दो नंबर्स को मिक्स करने का मतलब क्या, या तो तुम निकालो, या तुम लगाओ रेशियो लगाओ, या लगाओ एलिगेशन। तो मैंने रेशियो लगा दिया, बात तो वही है। ये होल नंबर मतलब नहीं समझा, होल मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 होता है होल मतलब, ठीक है, नहीं बड़े अकाउंट में। तो हाँ, तो होल नंबर इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसा कोई डेसिमल में नहीं आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। तो x इक्वल टू 8 पे तुम्हारा क्या आ रहा है, ये इंटीजर आ रहा है, और किसी पे तुम्हारा इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है। और तुम इसको तुम यहीं पे सोच पाते, तुम इसको यहीं पे सोच पाते। तुम क्या सोच पाते यहाँ पे, कि तुम अगर एक्स को रखते हो 8, तो 150 को डिवाइड करना है एक्स इक्वल टू 8 पे 1:4 के रेशियो में। तो देखो सोच पाते ना, देखो 150 इन द रेशियो ऑफ 2:x। अब बोलते हैं सर एक्स को 8 रखते हैं, कितना होता, 1:4 का रेशियो होता, डिवाइड हो जाता, पक्का इंटीजर आ जाता। बोलते सर मैं, आप बोलते सर मुझे एक्स को रखना है 5, तो अगर एक्स इक्वल टू 5 पे क्या होता, 2:5, नहीं हो पाता इंटीजर, 150 कैन नॉट बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:5, ठीक है। तो बोलते यहाँ पे एक्स को रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं हम 7 6, तो 2:6 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो 150 कैन नॉट बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1:3, क्योंकि इंटीजर नहीं आएगा ना इसका, ठीक है। तो तुम ऐसे तुमको 8 दिख जाएगा, बट ठीक है, फर्स्ट टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम ऐसे सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर एवरीवन, पक्का कोई डाउट, बहुत बढ़िया। एक और करेंगे, चलो ये वाला भी करेंगे एक और। मैं गब हम लोग गरीबों को कोई खतरा नहीं है हर्ष, देखो वहां पे दोनों वेरिएबल ही है, तो कोई फायदा नहीं है एलिगेशन लगा के, खुश रहो एलिगेशन से, रिवाइज भी हो जाएगा एलिगेशन, ये वाला करो। आसान क्वेश्चन है क्या, क्योंकि मैंने देखा नहीं आता, ठीक ही क्वेश्चन है, मैं पिक कराया तो 10% डिस्काउंट मार्क प्राइस सेल्स एप्पल्स। ओके ठीक ही है, आसान भी नहीं है यार, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अरे पोलिन, पोल 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 कर रहे हो, 30% 30% लोग बस सही किए, और ओनली 30%। बट बता बता दो क्या क्या होगा, करने का बेस्ट तरीका, बेस्ट टू वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या होगा।
चेन रूल यहाँ पे लगाएंगे, लंबे लंबे क्वेश्चंस में लगाते हैं यहाँ तो, इस तो यहाँ पे दो जगह स्टॉप करना पड़ेगा, लगा सकते हो ठीक है। चेन रूल क्या होता है कि एक ही साथ ना सारे क्वेश्चंस को असाइड, सारी डेटा को एक साथ लिख लेते हैं ठीक है, करा दूंगा क्वेश्चन अगले क्लास में चेन रूल पे ठीक है। हाँ देखो यह सवाल क्या था, अ फ्रूट सेलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड सेल्स एप्पल्स ठीक है। एक मिनट यार, एक बार बहुत जरूरी है चाय, बहुत जरूरी, रात से बैंड बजा हुआ है। जी मैम चाय, तुम लोगों रात भर तुम लोगों का जल्द बना बना, तुम लोगों का कंप्लीट किया असाइनमेंट, सारे क्वेश्चन लिख लिख के बचा हुआ था, सबका सॉल्यूशन आंसर सॉल्व किया, सबका आंसर लिखा। सुबह 5, तुम लोगों का पता है असाइनमेंट कब मैंने सुबह अपलोड किया है? सुबह 5:05 बजे अपलोड किया है। मतलब कि आज करना ही है, बहुत दिन से पेंडिंग पेंडिंग काम चल रहा है। अब एक दिन बैठेंगे, एलआईडी करेंगे एक दिन बैठेंगे तो। कल भी 4 बजे सोने में, कल परसों, आज 5 बज गया, तो बॉडी का बैंड बजा हुआ है। अब ऑफ जिस लिए उसे सोएंगा, ऑफ मेरा किसी ने यार, जिस दिन अनअकैडमी ऑफ उसी ऑफ लेता हूँ, बेटर रहता है, कॉल वॉल नहीं रहता है उस दिन। 1 मई मंडे को लेबर डे ना, मंडे को अनअकैडमी बंद है, तो 1 मई को क्लोज रहता है, तो नो कॉल्स नथिंग, उस दिन बेटर रहता है ऑफ लेना। देखो यहाँ सवाल क्या है, तो देखो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे इस केस में, ओके यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दो तीन तरीके का है, हम ना यहाँ पे दो तीन तरीके से सोच सकते हैं क्वेश्चन को ठीक है, बता देता हूँ, थोड़ा तो रिवाइज भी हो जाएगा। करेक्ट, एक तो तुम्हारा तरीका ये भी सोचने का है इस क्वेश्चन में, एक हमारा पहले फंडा कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, चेन रूल से ठीक है। तो देखो अ फर्स्ट फ्रूट सेलर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया, कितना हो गया, बोलोगे 1/10 का डिस्काउंट दिया, तो कितना चला गया, और फिर कितना दिया उसने, एंड ही से ऑल्सो गिव्स 15 एप्पल्स टू अ रेगुलर कस्टमर टू रिवॉर्ड हिज लॉयलिटी ठीक है। तो उसने 1 डजन की जगह उसको 15 एप्पल दे दिए भैया, तो अगर 12 एप्पल की जगह वो 15 एप्पल दे रहा है, उसको लॉस है, बताओ यस और नो, उसको लॉस है ना, ये उसको लॉस है एक्चुअली में ठीक है, ऐसे ही खुश होकर फ्री दे दिया, तो 12 एप्पल की जगह अगर वो 15 एप्पल दे रहा है, उसको यहाँ पे लॉस है 3 एप्पल का, तो बोलोगे इसका लॉस परसेंटेज तो दैट इज इक्वल टू, दैट इज लॉस जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट के इक्वल होगा इसके केस में, कि जितने का डिस्काउंट दिया उतने का लॉस सहा उसने राइट। तो व्हाट इज द लॉस ही बियर्ड एक्चुअली, सो लॉस ही बियर्ड इज दिस इज हाउ मच, 3 एप्पल ही गेव फ्री ऑन 15 एप्पल्स ठीक है, सो 3 एप्पल उसने फ्री दिया ऑन 15 एप्पल्स, तो कितना लॉस उसका गया, 1/5 का उसका लॉस गया, दैट इज इक्वल टू 20% का लॉस है उसका, बोलो यस और नो, है ना। तो अगर और पहले उसने क्या किया, तो उसने पहले 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो मान लो जो भी इसका जो भी शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस था, पहले उसने क्या किया, उसने उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो अगर 1/10 का डिस्काउंट दे दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा ना, 9/10, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/5 का लॉस है, व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 4/5 ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ही स्टिल एंड्स अप मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन एप्पल, तो अब ना उसके बाद हमको नहीं पता कि उसने कितना मार्कअप किया ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द मार्कअप ही डिड, मुझे नहीं पता कितना मार्कअप किया उसने, तो अब बोलूंगा ठीक है, मान लो उसने मार्कअप किया यहाँ पे एम, मार्कअप एम कितना मार्कअप है राइट, तो मान लो उसने मार्कअप किया यहाँ पे एम ठीक है, तो इफ और उसका टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है,
व्हाट इज इट टोटल प्रॉफिट, तो बोलोगे 20% का प्रॉफिट हो गया। तो सी पे 20% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 1/5 का प्रॉफिट। तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस बोलोगे कितना हो गया, 6C/5 हो गया। बोलो ठीक है ना, सारा चीज एक साथ करते रह गए। ठीक है, अब तुम्हारे यहां देखो, तुम्हारे यहां से m कितना आ गया, तो बोलोगे मेरे यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, तो m इक्वल टू हमारा हो गया 6/5 इंटू कितना हो गया, 5/4 इंटू 10/9, है ना। सॉरी कितना आएगा बताओ, 5/5 कैंसिल हो गया, ये 9 था तुम्हारा, 3 2 जा, 3 3 जा 20, सॉरी ये 4 है ना, 2 2 जा 5, 5/3 आ रहा है। मतलब अब ये ना उल्टा यहां था ना, ये तुमने ये क्या किया, व्हाट इज द मार्कअप हियर, तुम्हारा तुम्हारा मार्क प्राइस, तुम्हारा ये जो स्मॉल एम क्या है, तुम्हारा मार्कअप है। मतलब ये सारे क्या चल रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एम क्या है ना, एम इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ मार्कअप, ऑफ जितना तुम्हारा मार्कअप परसेंटेज है। ठीक है, जितना तुम्हारा क्या है, मार्कअप परसेंटेज है, ये सारे समझ रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारा सारा ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। वाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बिकॉज तुमने यहाँ पे लिखा है 9/10, तुमने लिखा है यहाँ पे 4/5, तुमने लिखा है यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर और यहाँ का भी। तो तुम्हारा अगर मार्कअप परसेंटेज का तुम्हारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/3 आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स तुम्हारा इंक्रीज कितने का हुआ होगा, तुम्हारा मार्कअप परसेंटेज का इंक्रीज कितने का हुआ होगा। बोलोगे 5/3 - 1, दैट इज इक्वल टू 2/3, है ना। तो आप बोलोगे इंक्रीज कितने का हुआ होगा, 2/3 का। ऑब्वियसली अगर 2/3 का इंक्रीज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मस्ट बी 5/3, है ना। तो वही हम बोलते हैं कि कैसे के निकालते हो, तो आप वन में ऐड करते हो, तो वन में ऐड करने के बाद ये आया था 5/3, तो 5/3 से वन सब्ट्रैक्ट करे तो मेरे कैमरे का निकल जाएगा मार्कअप परसेंटेज, निकल जाएगा 2/3, तुम्हारा कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 66.66%। ठीक है, 66.66%, दैट इज 1/3 इज 3 पॉइंट, दिस इज 66.66। ओके, मैंने सी बोला, सी मानो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस होगा, मैंने ये बोला, इसलिए सी यहाँ पे, सी तो ऐसे भी कैंसिल ही हो जाएगा ना, सी तो ऐसे भी। ठीक है, सटल मानो तुम्हारा सी कॉस्ट प्राइस है। आई हैव फेस्ट, नहीं हो गया, करते हैं फिर 5 बजे, फिर 5 बजे क्लास में डीए, 5 बजे, 5 बजे डीए करेंगे, 5 बजे। ठीक है, आई हैव फेस्ड प्रॉब्लम इन सच क्वेश्चंस व्हेन दे आस्क द वैल्यू ऑफ फॉल्सवेट व्हिच शॉपकीपर यूज्ड हाउ टू पुट इट इन अ चेन रूल। ऐसे तो करते हैं, मैंने बहुत देखो, मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तुमने उन मेरे को ऑलमोस्ट लगता है 10 क्वेश्चंस हो गए होंगे, उन 10 क्वेश्चंस को एक साथ कर लो। ठीक है, डू 1/1, 1/1, 1/1। ठीक है, ऐसे ही माही, मतलब वो तुमको क्वेश्चन देख के, जहाँ पे फॉल्स वेट्स होते हैं, जहां पे डिस्काउंट होता है, जहां पे फ्रीबीज दिया जाता है, तो इन सारे को हम एक चेन ऑफ इवेंट्स में कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा ये चेन ऑफ इवेंट्स था बेसिकली, तो जहां भी चेन ऑफ इवेंट चल रहा है, मान लो कि शॉपकीपर ने क्या किया, पहले 30% मार्कअप दे दिया, फिर 20 का डिस्काउंट दे दिया, फिर 1 kg फ्री दे दिया, फिर 10% लेस चीट कर लिया, तो एक चेन ऑफ इवेंट चल रहा है, तो चेन ऑफ इवेंट के लिए लगाते हैं चेन रूल, लगाते हैं हम चेन ऑफ इवेंट के लिए। ठीक है, कितना कहाँ से क्वेश्चन करोगे, सारा प्रैक्टिस सेशन अलग से कर रहे हैं, क्विज में वही सब क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे सारे, उसके क्वेश्चन नोट्स में आ गए, प्रैक्टिस सेशन अपडेट हो रहा है, तो क्विज में तो प्रैक्टिस सेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, डेटाबेस तो वही है ना। हाँ, रात में मिलते हैं, रात में 10 बजे, 10 बजे तो अलजेब्रा है ना। अरे अभी 5 बजे डे क्लास मिलेंगे ना यार, वो डीआई वाला फ्री नहीं, वो वाला प्लस कोर्स का पार्ट है, डीआई वाला। ठीक है, हाँ दैट वाज अ बेटर, एलिगेशन नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने वही लगाया, एलिगेशन वहाँ पे दिक्कत होगा, वेरिएबल्स में वो दिक्कत होता है, एलिगेशन लगाना वेरिएबल्स होते हैं तो। ठीक है, मेथड टू यहाँ पे ऐसे सोच सकते थे, मेथड टू वी कैन यूज दैट फॉर्मूला जो पढ़ा था क्लास में, वो फॉर्मूला भी बच्चा फॉर्मूला उसको यूज कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस बाई मार्कअप का रेशियो, की रेशियो कितना होता है, 100 - discount% / 100 + profit%, इसे ट्राई करने से भी हो जाएगा। ठीक है,
अभी तो अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा तो वी आर रनिंग राइट नाउ, तो अलजेब्रा का तो अभी नहीं लेंगे ज्यादा स्पेशल क्लास, अभी प्लस में ही चल रहा है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर प्लस क्लासेस, ठीक है। अभी अरिथमेटिक और नंबर्स का करते हैं, अरिथमेटिक स्पेशल क्लास करेंगे जो अरिथमेटिक नंबर्स और एलआईडी का करते हैं, ये करते हैं। एक केजी फ्री दे दिया तो पहले, अगर देखो एक एक स्टेप सोचना होता है, एक केजी अगर फ्री दे दिया तो पहले शॉपकीपर को नुकसान हो जाएगा ना पहले तो, ठीक है, इज इनटू लॉस, कोई शॉपकीपर फ्री दे तो नुकसान ही है उसको। हेलो सर, हेलो सर, हाँ यार बोलो, कौन है ऑनलाइन? संदेश हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 सर, हेलो मुझे क्यों नहीं आ रही है फिर, एक मिनट जरूर मैं चेक कर रहा हूँ चेक में, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो सर, वो अच्छा है, यहाँ से म्यूट है, सॉरी सिस्टम म्यूट पे था। हाँ बोलो, अभी अभी बोलो। आ रही है सर आवाज? हाँ अभी आ रही है। हेलो, हाँ हाँ सर, सर मैंने वो बताओ। क्वेश्चंस किए हैं आपने जो क्लास में कराए थे चीटिंग के लाइन से। सर, जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था, एक चीज है कि वो जो फॉल्स वेट जो शॉपकीपर यूज करता है वो जनरली दिया रहता है तो हम चेन में पुट करते हैं, वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फॉल्स वेट पूछ रहा था कैसे निकालेंगे, वेट पूछ रहा था जो 200 ग्राम। ऐसे निकालते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकालते हैं, ठीक है। सर वो चेन में कहाँ पुट करेंगे उसे? ऐसे नहीं बता पाऊंगा, क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो मेरे क्वेश्चंस कराए मेरे क्लास में किए होंगे तो, ठीक है, तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज का था नहीं यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाए नहीं हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे एम लिख दिया, हमने इसको यहाँ पे एम लिख दिया, इट इज एम, हाँ, अगर यही पे वो पूछता है कि 200 वेट चीट किया है, अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो हम चेन में पुट कर देते हैं, वो हाँ क्वेश्चन में मालूम। हाँ एक्चुअली तो ठीक है, कितना मान लो फॉल्स। तुमको, मान लो तुमको 1/5 का डिक्रीज आया, तो उसने 200 ग्राम या 1/4 का डिक्रीज आया, तो उसने वही होता है ना कि 200 ग्राम का लॉस किया और 800 ग्राम, ये निकाल दिए, समझ सकते हो वहां से। अगर तुम्हारा वैल्यू जैसे एम का वैल्यू 1/4 आता, तो उसने 200 ग्राम का सेल किया और 800 ग्राम, मतलब 1,000 पे 1 kg में 200 ग्राम चीट कर रहा है वो, तो वहां से वो सोच सकते हो, ठीक है। डाउट डाउट रूट में सर एग्जैक्ट क्वेश्चन डाल देना, देख लूंगा। थैंक यू। चलो ओके बाय गाइस, मिलते हैं, ठीक है, तो देख लेना। पांच मिनट डी आई, ठीक है।